नमस्कार, हम आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश में अर्थालंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम तुल्य योगिता अलंकार के विषय में जानेंगे। तुल्य योगिता अलंकार का लक्षण देते हुए आचार्य मम्मट ने कहा है, नियता नाम सकृत धर्म सा पुनः तुल्य योगिता। अर्थात तुल्य योगिता अलंकार वह है जहाँ केवल प्रकृत अथवा अप्रकृत वस्तुओं के साधारण धर्म का एक बार ही ग्रहण किया जाता है। तो क्या कहा आचार्य मम्मट ने यहाँ पर, नियतों का नियता नाम यानी प्राकरणिका नाम एव प्राकरणिका नाम एव, या तो केवल प्रकृत या अपकृत। तो यहाँ पे कहते हुए स्पष्ट किया है उन्होंने कि या तो केवल सारे प्रकृत होंगे या केवल अप्रकृत धर्मों का एक ही धर्म के साथ संबंध होने पर तुल्य योग्यता अलंकार होता है। उदाहरण दिया है, पांडु क्षामम वदनम हृदयम सरसम तवालसम च वपुः आवेदयति नितान्त क्षेत्रीय रोगम सखी हृदन्तः। हे सखी, तेरा पीला पड़ा हुआ मुख, सूखा हुआ तेरा चेहरा, स्नेह से भरा हुआ हृदय और अलसाया हुआ यह तेरा जो शरीर है वो तेरे हृदय के असाध्य रोग को सूचित करता है, क्षेत्रीय रोग को सूचित करता है। और क्षेत्रीय रोग क्या होता है? वह है जिसकी चिकित्सा इस शरीर से अथवा इस जन्म में संभव ना हो, यानी असाध्य रोग, उसको क्षेत्रीय रोग यहाँ पे कहा है। अब यहाँ पे जो नायिका की जो विरह की स्थिति है उसके अनुभाव रूप में मुख का सूखना, पांडुता, क्षामता, हृदय की सरसता और शरीर की अलसता आदि जो सभी धर्म है वो प्रकृत अर्थ है। उसके साथ में आवेदयति रूप एक क्रिया का संबंध है, इसलिए यह तुल्य योगिता अलंकार है। दीपक अलंकार और तुल्य योगिता अलंकार में क्या भेद है? दीपक अलंकार में एक प्रकृत होता है और एक अप्रकृत अर्थ के साथ में एक धर्म का संबंध होता है, किंतु तुल्य योगिता में दोनों ही अर्थ या तो प्रकृत होंगे या अप्रकृत, यानी दोनों ही या तो उपमेय होंगे या उपमान रूप होंगे, वह आवश्यक है। यही दीपक और तुल्य योगिता अलंकार में भेद है। तो तुल्य योगिता अलंकार जिसमें केवल या तो प्रकृत या अप्रकृत वस्तुओं का साधन धर्म का एक बार ग्रहण किया जाता है वह तुल्य योगिता अलंकार कहलाता है।